the rehabilitation doesn't come free of cost. It comes with a very loaded cost of water, electricity, and also the lift. पहले हम लोग ने हमारा इंटरेस्ट तैयार किया लोगों को इंटरेस्ट लोगों को सबका भी दिमाग में लगा हाँ भाई ये नहीं वाटर नहीं करंट नहीं होगा तो हमको पानी महंगा पड़ेगा और वही ऊपर लिफ्ट नहीं हो तो ऊपर जाना महंगा पड़ेगा उसके बाद में हमारा स्ट्रीट लाइट हमारे एक एक फ्लोर में पहले कुछ नहीं था अभी कम से कम 7-8 लाइट लगता है एंड यू कैलकुलेट फॉर 7 फ्लोर्स इट इज़ वेरी बिजी एक्सपेंसिव इसी के वजह से हमने सोलार अफ्रीका ईस्ट अफ्रीका केन्या युगांडा मतलब जाने के बाद में हम हर मीटिंग में लोग सोलार का ही बात करते हैं इससे हमको समझाया गया कि ये जो लगेगा ना तो इससे हमारी समस्या सबसे बड़ी जो है बिल वो कम होगा हाँ तो हमने पूछा कैसे कम होगा क्या यानी आएगा तो जैसे मेरा बिल इतना आता था 18 से 19 हज़ार तो हम लोग का मेंटेनेंस बचता ही नहीं था जितना मेंटेनेंस आता था वही चला जाता था और सारा बिल में ही जाता था अमाउंट बहुत बड़ा था तो हमको जैसे सर ने बताया गया सोलार वाले सर ने जैसे 17 हज़ार 19 हज़ार 18 हज़ार बिल आ रहा है आपको 5 हज़ार आएगा 4 हज़ार आएगा 6 हज़ार आएगा तो हमने वो हिसाब से समझा और ये किया फिजिबिलिटी स्टडी होने के बाद में हमको पता लगा पावर कंजम्पशन कितना है पावर जनरेशन कितना होगा हमारे पास जगह कितना है where to install the solar energy. Then we said we'll put it on the terrace. The solar produces energy which is more than your need of power consumption. That, above that is the excess energy which you are putting into the grid. Thereby we may get a cash component. And instead of that we will earn a credit which will go to us. And this is a clean energy. सोलार को अच्छा रखना है तो क्लीनलीनेस चाहिए साफ सफाई चाहिए लड़की 3 लड़कियों को ट्रेन किया है वो और वो लोग पहले से ही हमारे महिला मिलन में काम करते थे और हमारी बिल्डिंग के लिए भी इनको ही चुना इनको ट्रेन किए और ये लड़कियां पूरा कोऑपरेट करती है आती है पूछती है हम आते सब बताते हैं और सब लिखती है और सब माइंड में रखती है और अभी भी सफाई के लिए भी इन लोगों को ही ट्रेन किया गया है सफाई के लिए हम लोग को यूज़ होता है पाइप स्टूल और मॉप ये सब यूज़ होता है पैनल के ऊपर झाड़ू वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि वो कांच जो रहता है अगर उस पर ज़रा सा भी क्रैच आ जाएगा ना तो वो बीच में से टूट सकता है उसके लिए हम लोग मॉप स्पंज आता है उससे पानी पाइप से पानी डाल के जब पानी एक हाथ से पानी डालना चाहिए और एक हाथ से वो स्पंज से ऐसा करना चाहिए तो उससे धूल सारी निकल जाएगी दोपहर में नहीं कर सकते क्योंकि ना कांच रहता है ना वो गर्म रहेगा अगर उस पर पानी डालेंगे ना हम लोग तो प्रॉब्लम हो सकती है कांच इधर 18 पैनल है और उस साइड 18 पैनल है उसके ऊपर गंदगी है उसको धूल भी साफ करके फिर हम लोग देखते हैं झाड़ू वाड़ू मार के फिर मीटर के पास जाते हैं फिर नीचे जाके ना कैबिन में देखते हैं कितना हमारा हुआ एक्सपीट हुआ कितना इम्पोर्ट हुआ फिर हम वो खींच के फोटो अपनी बुक में लिखते हैं और सर को सेंड कर देते हैं व्हाट्सएप पे रिलायंस को हम लोग ने कितना ये 407 हम लोग ना रिलायंस को दिए हैं और रिलायंस